नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंडल कारागार में बंद कैदियों के साथ राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया योग। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कारागार स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति आज बांदा पहुंचे। यहाँ मंडल कारागार में बंद कैदियों के साथ योग किया, साथ ही उनको सुधारात्मक परिवर्तन के लिए संबोधित भी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंडल कारागार में भी योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसके तहत राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों के साथ योग किया। वह योग करने के बाद बंदियों को बुरे कार्यों से दूर रहने का संकल्प दिया। मंत्री का भाषण सुनकर कई बंदी रोने भी लगे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार 40 साल से कम उम्र में बंदियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सेन भारी पुरानी बातें हो गई हैं। इस सरकार में जरा भी गलती की कठोर सजा दी जाती है, इसीलिए कुछ घटनाएं उसका उदाहरण में मंत्री ने कहा कि हमारे सरकार में 17 ऐसे कैदियों को जेल से बाहर निकाला गया जो अर्थदंड नहीं दे पाने की वजह से जेल में बंद थे। लगातार जेल के सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बांदा से कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक हफ्ते पहले हमने सभी जिलों में सभी जेल अधीक्षकों को सूचित किया था कि आज बंदियों को भी योगा का कार्यक्रम कराया जाए और योगाचार्य के माध्यम से। आज यहाँ योगा का कार्यक्रम हुआ है जेल में और हमने भी तय किया था कि हम भी बंदियों के साथ योगा का कार्यक्रम करेंगे। योग के कार्यक्रम के बाद बंदियों के साथ हमने संवाद किया है, उसमें उनको एहसास कराया है कि आपके जेल में आने के बाद बाहर आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। उनको एहसास कराया है कि आपके आने के बाद में जब उन्हीं से पूछा कि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी घर में आते हैं, सभी ने मना किया कि कोई नहीं आता हमारी जेल में आने के बाद। तो हमने कहा कि बाहर आपकी एक गलती के कारण आपके परिवार के लोग एकाकी जीवन जीने को मजबूर हुए। जब उनसे पूछा कि ऐसी गलती होनी चाहिए क्या, तो उन्होंने संकल्प लिया। आज लगभग सभी बंदियों ने संकल्प लिया कि हम जीवन में बाहर जाने के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि सभी नहीं तो जो भी 10% 20% 30-40 जो भी परसेंट है, अगर उनके जीवन में बदलाव आता है हमारे संवाद से, तो हमारा संवाद सार्थक है। और हमारी इच्छा भी है कि बंदी बाहर जाने के बाद कभी कोई गलती न करें। कौशल विकास से हमने जेलों को जोड़ा है, एमई से हमने जोड़ा है, क्योंकि जेलों में 40 साल से नीचे के युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनको कौशल विकास एमई से जोड़ने के बाद में जब वो प्रशिक्षित होंगे और जान